की बृंदारी गोकुल में आ गए। कहते हैं कि गोकुल में जब रास रच रहा था तो वो साथ वहां पर सारी सखियां थी, स्त्रियां थी सब, और बस एक पुरुष थे। वो कौन थे? कन्हैया, भगवान कृष्ण। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती से, तू तो जा रही है, मुझे छोड़कर जा रही है, मेरी इच्छा करती है, मैं भी चलता हूँ। पार्वती कहती है नहीं, वहां सिर्फ एक पुरुष है और सब स्त्रियां हैं, इसलिए तुम वहां नहीं जा सकते। तो भगवान शिव कहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से तू मुझे वहां ले चल, चाहे मुझे स्त्री बनाकर ले चल, पर मैं वो रास देखना चाहता हूँ। तो आगे बड़ा सुंदर भाव, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस रास को, मैं तो सहेली तेरी, ऐसा बना पृथ्वीराज को भगवान ने स्त्री रूप बनाया, साड़ी पहने और चार भी सखियों की तरह चलने लगे, तो ऐसा देखकर पार्वती भी हंसती है। क्या कहती है? Oh,
Thank you.
Thank you.